हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्ट्रेट्स ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या है, इसी तरह कि ये चीज मैं आपको जो है वो बताऊं, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब ये चीज़ आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी।
इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर। अब देखिए यहां पे रेजोनेंस क्या कहता है, डीनोबलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे कंजुगेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब यहां पे कंजुगेशन है तो यहां पे रेजोनेंस के होने के चांसेस है। तो ये ओएच जो है इस इलेक्ट्रॉन से बने हुए डबल बॉन्ड और इस बॉन्ड से बने हुए यह गोले पे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इधर आएगा आपका डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब ऑक्सीजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो कहते हैं वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि गोले पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर और ये गोले पे। उस केस में
स्टॉक वगैरह रहती है, वो जो भागवत एजुकेशन जो है वो देख लोगे वहाँ पे आपको जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब मैं कुछ मेटा एडिटिंग टूल भी दे देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास है मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस में क्या है आपके पास, सपोज करो मेरे पास है बेंजीन रिंग और मेरे पास है सी डबल बॉन्ड ओवर है, मतलब सी एच ओ ग्रुप मेरे पास है। ठीक है, देखो याद रखना बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जिसमें आपके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है वो जुड़े हैं बाय मींस ऑफ मेटल मल्टीपल हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगी एक हमेशा है बिकॉज़ वो हमेशा रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं रिंग से। ठीक है, तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे जॉइन बाय मींस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अगर वो जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है डायरेक्टिंग हो गया होगा हमेशा मेटा डायरेक्टिंग। अब देखिए क्या होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या होगा यहाँ पे इधर आएगी डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, फिर इधर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और लास्ट पे क्या हो जाएगा वापस। देखो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से बिल्कुल उल्टा है लास्ट जो मैंने लिखा है, इसका मतलब मेरा एलिमेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है वो सही है। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है जिसकी वजह से ये रिंग को क्या कर रहा है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। पहला वाला जो था पैरा जो है वो क्या करता है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और फिर पैरा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या कर रहा है वो कम कर रहा है वो लो कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये पोजीशन ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो। अब बताओ कि एक कभी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो वहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ना हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो बल्कि न्यूट्रल ऐसा जो है वो कोई चीज हो, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाले के ऊपर तो अटैक नहीं कर सकता है बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ पे मेटल पे जो होता है वहाँ पे क्या है ऑर्थो पैरा के मुकाबले यहाँ पे मेटल पे जो है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है। एक चीज याद रखना, जब भी मैं ये क्या दिखा रही हूँ रेजोनेंस दिखा रही हूँ, रेजोनेंस में हमेशा पार्टिसिपेट करता है ऑर्थो एंड पैरा कंडीशंस। आप देख रहे हो मैं खुद से नहीं कर रही हूँ जबरदस्ती, मैंने क्या किया मैंने जो है वो सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए और ऑटोमेटिकली उस केस में जो चार्ज जनरेट होते हैं वो हमेशा ऑर्थो और पैरा को जनरेट होते हैं, वो मेटल के जनरेट नहीं होते। इसका मतलब मेटल जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर ये वाला ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो ज्यादा कहाँ से लेगा, वो ऑर्थो से लेगा और पैरा से लेगा, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रेफरेबली जो है वो अटैक करना पसंद करेगा कहाँ पे मेटा पोजिशन, बिकॉज मेटा पोजिशन जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब मोड ऑर्थो और पैरा से क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो कहीं पे और अगर आप कोऑर्डिनेशन करवा रहे हो तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, आपके पास क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो कम करते हैं एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से मेटा पे समवट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे ज्यादा जो है वो क्या करता है पसंद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल। हैलोजन्स का थोड़ा सा डिफरेंट नेचर होता है, देखिए ये है आपके पास क्लोरोफिल, जो आपके पास हैलोजन्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका होता है माइनस आई इफेक्ट बट एट द सेम टाइम दे हैव प्लस आर इफेक्ट टू, वो बाय मींस ऑफ रेजोनेंस क्या करते हैं इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन हैलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को जो है वो ले लेते हैं रिंग से, ठीक है। ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये रिंग को क्या लेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में और पैरा नहीं है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट है तो वो पूरी की पूरी रिंग के ऊपर आएगा, वैसे नहीं खाली और पैरा ही होते हैं, इंडक्टिव में नहीं होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव में क्या हो रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जिसकी वजह से हर एक पोजिशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, वो कम हो गई। अब देखो एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला कि ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, दैट इज आपका हैलोजन है, उसका प्लस आयन इफेक्ट होता है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये जो है वो रेजोनेंस से जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको रिंग। तो वैसे ही बनाओ जैसे हम बनाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सीएल, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव, देन दिस एंड देन दिस, यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव इधर, ये इधर, इधर नेगेटिव, फिर लास्ट ये यहाँ पे और ये वापस। छह पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तभी आपके पास एरोमेटिक होता है, 4 2 8
एंटी एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, वो भी साइक्लिक होते हैं इसी तरह, उनमें भी कंजुगेशन होती है उस वाली की तरह, वो भी प्लेनर होते हैं। फर्क क्या होता है कि यहां पर आपका जो है वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उस वाले केस में आपके पास क्या होते हैं, उस वाले केस में होते हैं आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में वो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कहलाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। Now, next है आपके पास, अच्छा इस केस पे n क्या हो सकता है? 4 0s are 0 तो नहीं हो सकता, तो n हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 and so on, ठीक है? सपोज करो अगर n is equal to 1 तो उस केस पे जो है वो 4 pi electrons होंगे, जब n is equal to 2 होगा तो 8 pi electrons होंगे, when n is equal to 3 होगा तो 12 pi electrons होंगे। तो अगर आपके पास cyclic conjugated planar है और अगर आपके पास जो है वो 4 8 या 12 pi electrons are and so on, तो वो क्या होता है आपका anti aromatic। लास्ट होता है आपका नॉन एरोमेटिक। इन दोनों को छोड़ के रेस्ट जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सब कहलाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक, ठीक है? जिससे आपके एरोमेटिक भी आते हैं, आपका CH3 है, ठीक है, आपका एल्कीन है, एल्केन है, और ऐसा एल्कीन जहां पे कंजुगेशन ना हो, नो कंजुगेशन। जिधर कंजुगेशन नहीं होगी वो हमेशा आपका क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक ही होगा आपका, ठीक है? अब सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका एरोमेटिक, उसके बाद होता है आपका नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल होता है आपका एंटी एरोमेटिक। ये वाला सबसे ज्यादा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल जो है वो एंटी एरोमेटिक ही होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम जो है उनमें जानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। चलो हम बेंजीन रिंग से स्टार्ट करते हैं। एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? सबसे पहली चीज ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, इस पे कंजुगेशन है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी है कि किसी जगह पे आपके पास जो है ये पाई पाई और ऐसे और सिग्मा है, कंजुगेशन भी इसमें प्रेजेंट है, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जरा करो 4 एंड प्लस 2, 4 1 और 4 प्लस 2 दैट इज 6, दैट इज ये जो है 4 प्लस 2 मोर को जो है फॉलो कर रहा है और वैसे प्लेनर भी होता है, दैट मींस ये आपका क्या कर रहा है, इसे जो है ओके, ये क्या होगा आपका एरोमेटिक कहलाएगा। सपोज करो मैं दूसरी एग्जांपल लेती हूं, और इसके ऊपर क्या है आपके पास, नहीं साइक्लिक है, बिल्कुल है, कंजुगेशन लिखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, दैट्स कंजुगेशन प्रेजेंट है। ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं होता सिंगल सिंगल होता, डबल सिंगल सिंगल आ रहा है, दैट मींस कंजुगेशन नहीं होती, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से कंजुगेशन आ रही है। फिर देखो 1 2 3 4 एक नेगेटिव चार्ज के लिए, देखो खाली रिंग के ऊपर जो चार्ज है ना उसी को आपने कंसीडर करना है, रिंग के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है? विदिन रिंग के ऊपर जो भी है उसको काउंट होना है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1 2 3 4 5 8 6, तो इस केस में भी आपके पास जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है कहलाएगा आपका, दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक, क्योंकि ये भी 4 प्लस 2 को जो है वो अप्लाई कर हो रहा है इसके ऊपर। अब इसको देखो, साइक्लिक है, बिल्कुल है, कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, नॉन कंजुगेटेड। तो नॉन कंजुगेटेड जो भी आएगा वो डायरेक्ट आपने क्या दिखाना है, वो नॉन एरोमेटिक, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो देखो सिंगल सिंगल जो है वो एक साथ जो है वो आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। सपोज करो आपके पास है ऐसा, इधर नेगेटिव था, इधर आपको पॉजिटिव लगा रहा है, ठीक है? पॉजिटिव का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब यहाँ पे खाली चार ही इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, बिल्कुल है, कंजुगेटेड, डबल सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल, इसका मतलब कंजुगेटेड।
प्लेनर भी होता है। उसके बाद अब देखो इस पे जो है वो चार ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4n+2, 4000 दैट मींस 2 पाई, 4104+2 6 पाई, इसका मतलब ये 4n+2 को अटैक नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को कर रहा है? 4 4 * 1 करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो है इसमें चार इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये जो है ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो फॉलो कर रहा है, दैट मींस दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देंगे। सपोज आपके पास है ये भी आपका साइन है, डबल सिंगल डबल सिंगल, इसका मतलब कंजुगेटेड भी है। 1 2 3 4 चार पाई इलेक्ट्रॉन है तो किसको करेगा? 4n पाई वाले को 4 1 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी जो है आपका क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। जहां पे कंजुगेशन होगा वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। जहां पे कंजुगेशन नहीं है आप बंद करके आपने क्या करना है वो जो है उसको लगा देना है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइक्लिक भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव सिंगल, इसका मतलब कंजुगेटेड भी है, ब्रेक नहीं हो रही है। 1 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप देखो 4n+2 4000 कर करेंगे हम यहाँ पे पुट तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, क्या है ये? दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये नॉन कंजुगेटेड है, चेन ब्रेक हो रही है, इसका मतलब आप बंद करके लगा दो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव सिंगल नेगेटिव सिंगल, इसका मतलब साइक्लिक तो है ही है, इसके अलावा ये कंजुगेटेड भी है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पीछे ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 4n+2 को करेगा, 4n+2 को करेगा या फिर 4n पाई को करेगा? 4 0 0 0+2 0+2 का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दो यहां पे नहीं, 4 1 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? दिस इज योर एरोमेटिक। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड, ये नॉन कंजुगेटेड है, तो नॉन कंजुगेटेड पे क्या लिखना होता है? दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब साइक्लिक भी है ये कंजुगेटेड भी है। अब बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी तक तो याद भी हो गया होगा कि एरोमेटिक 4n+2 को जो है अप्लाई कर रहा है। अगर हम इसको देखेंगे इस पॉजिटिव की जगह पे अगर नेगेटिव होता, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कि ये क्या कहलाएगा आपका? दिस इज योर एंटी एरोमेटिक इन नेचर। क्या कहलाएगा ये? एंटी एरोमेटिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास है फ्यूरॉन, ये पूरी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, देखो कंजुगेशन में ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो इस केस में ऑक्सीजन के कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वही आपके पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे कहलाएंगे। जो ये वाले भी होते हैं जब कंजुगेशन में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये इधर और ये यहां पे आएगा ना, तो यहां पे ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये क्या है? साइक्लिक। अब ऐसे नहीं करोगे कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लोगे, बताओगे कि ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है तो सिंगल है, ऑक्सीजन है सिंगल है, चलो कंजुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन बाद में बताओगे कि नहीं इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर एक है इसमें
पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चार पांच इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो वो नॉन एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, बट नहीं, ऑक्सीजन का एक लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो साइक्लिक है ये, कंजुगेटिव भी है ये। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये किसमें आएगा आपके वैसे ही जो है, अगर आपके पास जो है वो पायरन होता है वो भी जो है वो क्या आ जाएगा, वो भी जो है इसमें आएगा, ठीक है। ये भी साइक्लिक है, ये भी कंजुगेटेड है, और इसके भी क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ये भी कहलाएगा आपका एरोमेटिक, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा आपका एरोमेटिक जो है वो कहलाएगा। लास्ट एग्जाम्पल जो है मैं लेती हूँ आपकी पायरीडीन, ये होता है आपका पायरीडीन, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड, इसका मतलब कंजुगेशन है, ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब देखते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, आप मुझे बताओ कि ये इधर अगर आएगा, ये इधर अगर आएगा, ये इधर अगर आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर वापस आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे जरूरत थी क्योंकि इधर दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड है, तो इधर करोगे, इधर करोगे और इधर करोगे, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक साइड से तो आपके पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका एरोमेटिक, ठीक है। मेरे पास रिंग जो है ना, रिंग के ऊपर जो डायरेक्ट चार्ज होते हैं जैसे ये, उनको आप रेजोनेंस में करना नहीं, लेकिन अगर आपके पास रिंग में कोई ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच है, फिर आपने देखना है कि वो जो है वो रिंग को जरूरत पड़ रही है उसके इलेक्ट्रॉन की, वो उससे ही जो है कंजुगेशन कर रही है, अगर उसके इर्द गिर्द जो है वो दोनों साइड से जो है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर नहीं है तो वहां उस केस में आपने जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लेना है, तब जाके जो है बाई इलेक्ट्रॉन गिनने और बताना है कि एरोमेटिक बन रहा है या फिर नॉन एरोमेटिक जो है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी जो है आज कंप्लीट।